गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरिएबल कोफिशिएंट की जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसमें आज कुछ और प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सॉल्व y डबल डैश t, और वेरिएबल वाली है तो यहाँ t वेरिएबल आ गया, y डैश t प्लस y t y डबल डैश t माइनस t y डैश t प्लस y t इक्वल टू 1, और कंडीशंस दी हुई इसके साथ इफ y 0 इक्वल टू 1 एंड y डैश 0 इक्वल टू 2, ये इसकी कंडीशंस दी हुई है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी को हम लेके चल रहे थे वाई बार पी, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बोथ द साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डबल डैश टी माइनस टी वाई डैश टी प्लस वाई टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। नाउ यहां से एक एक को अलग कर लेते हैं, वाई डबल डैश टी माइनस, यह लाप्लास जब हम करेंगे यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डैश टी, ये आपको पता है कि इसको हमें किस टाइप से करना है, और लाप्लास 1 का जो है वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन पी। पहले तो वाई डबल डैश टी का मैं कर रहा हूँ, वाई डबल डैश टी का कितना हो जाएगा पी स्क्वायर लाप्लास वाई टी, जो वाई पी हो जाएगा, माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। ये तो पूरा किसका हुआ है, इस पूरे का मान यहां तक आया है, ठीक है। माइनस इसको हम कैसे करते हैं, माइनस बाहर है और यहां पर आ जाएगा माइनस डी बाई डी पी ऑफ एफ पी, है ना, एफ ऑफ पी। तो यहां पर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका लिखूंगा, उसका आएगा, डैश वाला होता है पी वाई बार पी माइनस वाई जीरो, वाई बार पी माइनस वाई जीरो, और ये आया है मेरे पास किसका, इसका, ठीक है। अब लास्ट आ रहा है, इसको तो डायरेक्टली वाई बार पी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। वाई बार पी क्या है, यहाँ पर हमने माना है, इससे डायरेक्ट इसको ये वाई बार पी लिख दिया, ठीक है। लेट वाई टी इक्वल टू लिखा। अब हम यहाँ कंडीशंस लगाते हैं, इसकी कंडीशंस क्या क्या है, 1 और 2, वाई जीरो पे 1 है और यहाँ 2 है। तो पहली कंडीशन तो आ जाएगी पी स्क्वायर वाई बार पी एस सच रह जाएगा, माइनस पी मल्टीप्लाई बाई 1, और वाई डैश जीरो पे वैल्यू 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस डी बाई डी पी ऑफ, इसको हम जरा सॉल्व कर लें, डी बाई डी पी ऑफ ये करूंगा मैं, तो यहाँ पर पहले अगर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो पी को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, पी ये हो जाएगा डी वाई बाई डी पी, ठीक है। प्लस अब जब मैं पी का 1 करूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, वाई बार पी, ये भी एक्चुअल में वाई बार पी ही है, ठीक है। और वाई जीरो आपका 1 है तो ये 0 हो जाएगा,
और ये वाई बार पी आपके पास ये आ रहा है, ठीक, या माइनस का आ रहा है प्लस का आ रहा है, ये जरा चेक करना, ये प्लस है तो यहाँ गलती क्यों कर रहे हैं, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/p। अब देखिए सारी की सारी इक्वेशन p में आ गई है। अब यहां से मैं y बार p वाली टर्म्स को एक साथ लिखता हूँ, y बार p, ठीक है, p स्क्वायर y बार p, तो ये y बार p की टर्म सारी एक साथ लिखते हैं पहले अपन, और ये टर्म पहले लिख लेता हूँ, ये एक ही टर्म है ना यहाँ पर, p डी वाई बार ऑफ डी पी। अब मैं लिखता हूँ वाई बार वाली टर्म, पी प्लस 2/p वाई बार पी, पी स्क्वायर 2/p। इक्वल टू 1 प्लस 2/p प्लस 1/p² ये देखिए ये आपके पास आनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया, इसको एक एक स्टेप से सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले जो टर्म आपके पास आएगी वो आएगी पी डी वाई बार डी पी, पहले वाली ये टर्म आ गई। उसके बाद दूसरी टर्म जो आएगी वो आपके पास आएगी प्लस पी स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 2, ये 1 और 1 2 वाई बार पी। देखो 2 तो ये वाली टर्म है, ठीक है, और एक टर्म कौन सी वाली है वाई बार पी की, ये पी स्क्वायर वाली, ठीक है ना, ये सारी टर्म आ गई। अब बचा एक तो पी माइनस का 2, तो ये दोनों माइनस के हैं तो इनको इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस पी, और 1/p तो ऑलरेडी यहाँ है ही है, ठीक है। अब इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूँ, यहां से पी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया डी वाई बाई डी पी, प्लस पी को अगर कॉमन लूंगा तो ये तो पी रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2/p वाई बार पी जो मैंने डायरेक्ट स्टेप अभी लिख दिया था, और यहाँ पी को अगर कॉमन ले रहा हूँ तो ये 2/p प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/p², ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को देखने से हमें क्या लगता है कि ये इक्वेशन जो है वो मेरी लीनियर इक्वेशन है इन पी, इन वाई बार पी, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई बार पी। कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, क्यू जो होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है जब यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर अभी है dy बार अपॉन डी पी, तो ये पूरा पूरा देखिए इधर फंक्शन जो है वो पी का आ रहा है, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई मेरे पास, ये y आपके पास ये रहा जिसका कि मैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशियल कर रहा हूँ, ठीक, तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई बार पी। जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले एक टर्म आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसका निकालते हैं, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेस टू द पावर p dx, ये कैपिटल p लिख लेते हैं इसको क्योंकि उधर कैपिटल क्यों लिखा है, e p dx हम यहाँ पर करते हैं। तो इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, e तो आएगा ही आएगा, p जो है वो पूरी पूरी ये टर्म पड़ी जाएगी, ठीक
ठीक है, और dx की जगह dp हो जाएगा क्योंकि फंक्शन p का है। तो चलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं मैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं निकालता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर a इंटीग्रल ऑफ p प्लस p प्लस 2 अपॉन p dp है ना। तो e रेस्ट टू द पावर p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 log p, यही होगा ना इसका इंटीग्रेशन। p का तो हो गया p स्क्वायर और नीचे पावर 2 आ गई, प्लस 2 और अपॉन p का log p हो गया। जब यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन, तो p स्क्वायर e रेस्ट टू द पावर p स्क्वायर अपॉन 2। रेस टू दी पावर पी स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला था आपके पास बन गया पी स्क्वायर, ठीक है, और ई पी स्क्वायर अपॉन 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता लग जाता है तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर वाई बार पी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू, क्यू की वैल्यू जो भी होगी, फिर यहाँ डीपी है तो डीपी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम करते हैं, ठीक है। तो अब इस सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जस्ट अभी मैंने निकाला क्या था, पी स्क्वायर ई रेस्ट टू दी पावर पी स्क्वायर अपॉन 2 वाई बार पी, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन मेरे को यहाँ लिखना है, पहले q की वैल्यू लिख दूं, q मेरे पास था 1 अपॉन 2 अपॉन p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर, 1 अपॉन p स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है p e रेस्ट टू द पावर p स्क्वायर अपॉन 2 और dp प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है, चलिए इसको डिटेल मैं लिखता जाता हूं। पहले मल्टीप्लाई किया तो p आ गया, फिर आ जाएगा आपके पास p स्क्वायर है, ये p स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में गलती हो जाएगी, तो ये p स्क्वायर हो गया प्लस का 2p प्लस का 1, ठीक है, और e रेस्ट टू द पावर p स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर रख लिया, dp प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहां से मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं, p स्क्वायर प्लस 2p, तो p को कॉमन ले लेता हूं मैं, p प्लस 2 p e रेस्ट टू द पावर p स्क्वायर अपॉन dp, और एक इंटीग्रल को मैं तोड़ता हूँ। अब यहाँ से क्या बचा है, एक केवल यही बचा है e रेस्ट टू दी पावर p स्क्वायर अपॉन 2 dp प्लस c, ठीक है। तो ये इंटीग्रल जो पहला वाला है वो क्या आएगा, इसे जब मैं बाई पार्ट्स करूँगा इसके, तो पहला वाला इंटीग्रल सॉल्व वो क्या आएगा, p का तो हो जाएगा 1 डिफरेंशियल p प्लस 2 e रेस्ट टू द पावर p स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 e रेस्ट टू द पावर p स्क्वायर अपॉन 2 dp प्लस इंटीग्रल, इसको मैंने सच ही रखा है, इसको मैंने जान के नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल जो बहुत बड़ा दिख रहा था वो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया,
इसकी वैल्यू आ गई पी प्लस टू ई रेस टू दी पावर पी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ये किसकी वैल्यू है? पी स्क्वायर ई रेस टू दी पावर पी स्क्वायर अपॉन टू वाई बार पी। अब मुझे सिर्फ वाई बार ही चाहिए इधर, तो मैं क्या करूंगा इस सारे को डिवाइड कर देता हूं, यानी वाई बार पी इक्वल टू वन अपॉन पी, पी स्क्वायर से कर रहा हूँ ना, वन अपॉन पी प्लस टू अपॉन पी स्क्वायर, और ई रेस टू दावर पी स्क्वायर से ये ई रेस टू दावर पी स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है, प्लस सी के साथ ये जरूर आएगा विथ माइनस साइन पी स्क्वायर अपॉन टू और पी स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जैसे ही वाई बार आता है तो हम यहां लिखते हैं टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ दी साइड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कह देता हूं मैं, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म थ्री, हमारे पास क्या आता देखो, दिस इज इक्वल टू टू है, सी को कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, और एक यहां पर ई रेस टू द पावर पी स्क्वायर का पहले मुझे खोल लेना चाहिए था, सी अपॉन पी स्क्वायर, ई रेस टू द पावर एक्स का कैसे खुलता है, वन माइनस एक्स फिर एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू, तो अल्टरनेट टर्म आएगी प्लस माइनस की पी फोर फैक्टोरियल टू और इसका फोर हो जाएगा, ठीक है, फिर एंड सो ऑन चलती चली जाएगी। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो मेरे पास आ जाएगा वाई ऑफ टी दिस इज इक्वल टू लाप्लास वन अपॉन पी का कितना हो जाएगा वन, और इसका हो जाएगा प्लस टू टी, ठीक है, और नेक्स्ट टर्म जो मेरे पास आएगी वो आएगी कौन सी, सी अपॉन वन अपॉन पी स्क्वायर, ये टर्म पहली आएगी ना, सी अपॉन जो आएगी, तो ये क्या बनेगी मेरे पास प्लस सी टी, ठीक है, ये तो ये बन गई। इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स इससे मल्टीप्लाई होगी वो मेरे पास क्या आएगी c बाई टू, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया ना, तो c बाई टू, फिर आएगी आपके पास पी स्क्वायर और एट और ये c, तो यहाँ पर हमारे पास लाप्लास इनवर्स ऑफ p रेस टू दी पावर n फ्रॉम n आपके पास स्टार्ट कर लीजिए जीरो वन टू जितना भी है इन सब के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, इन सब के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास जीरो, तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी दिस इज इक्वल टू वन प्लस टी कॉमन ले लो तो टू प्लस सी, अब c की वैल्यू मुझे निकालनी है, c की वैल्यू के लिए कंडीशन मेरे को क्या क्या दी हुई थी, वो ऊपर वाली कंडीशन थी शायद y 0 1 था और y डैश 0 2 था, ठीक है, तो पहली कंडीशन अगर लगाए तो कुछ मिल रहा है क्या, t को 0 रखते हैं तो ये 1 हो गया दिस इज इक्वल टू 1 और टी को जीरो रख दिया तो सी तो यहाँ आएगा ही नहीं, सी तो खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरी कंडीशन से करते हैं, वाई डैश टी दिस इज इक्वल टू
टू प्लस सी, तो यह सी इक्वल टू जीरो आ रहा है। क्यों सी इक्वल टू जीरो कैसे आ रहा है? इसकी वैल्यू टू इक्वल टू टू प्लस सी, दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू जीरो। अब सी इक्वल टू जीरो जो आया था वो मेरे ओरिजिनल आंसर में रख देता हूँ। वाई टी इक्वल टू क्या था? सी इक्वल टू जीरो करो तो इसका आंसर आ रहा है दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हमें ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसमें इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन भी बन सकती है और कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन सकती है और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कल जो आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था उसमें तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी, आज के एग्जाम्पल में हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई थी जिसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हुए उसको सॉल्व किया था। तो आज आपकी ये यूनिट खत्म हो रही है, आपका ये पूरा कोर्स खत्म हो रहा है यहाँ पर। थैंक यू।